तुम निकल रही घर से बाहर। ओ यारा मैं जेरी जड़ा इनवाइट नहीं किया था, आज शादी है उसने, मैं झुलना थी यारा यारा बहुत कपी ना यारा ऐसा मैं क्या खाऊ, लेकिन मैं तो उसी शादी पर जैसा पावे मैंने कार्ड लभ्या कि नहीं लभ्या यारा जी। टिकटॉक अब क्या कह सकते हैं, एक ही रिव्यू मतलब मैं बात करूंगा उस पर कि टिकटॉक की वजह से जो है ना, जो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं यूट्यूब पे हो गए, फेसबुक पे हो गए, इंस्टाग्राम पे हो गए, जो कॉन्टेंट बना रहे हैं वो अंडररेटेड है। मैं स्कूटी गई आगे एकदम जाम पाया, मैंने नहीं देख मारी होगी, मैं नीचे गिर गया, बच गया पीछे से यूं देख उनको उन्हीं के अंदाज में सलाम वेलकम करेंगे। बाजी आपने इनको सुना होगा, डबिंग करते हैं, डबिंग के बेहतरीन आर्टिस्ट हैं ये, और इन्होंने आपकी अभी तक जो है टॉम एंड जेरी और मिस्टर बीन और उसके अलावा 40 चैप्टर डिफरेंट कार्टून पे कमाल की डबिंग की है, और आप जब देखेंगे आप जानते भी होंगे इनको, लाजमी सी बात है, जो नहीं जानते आपने जरूर सुना, डेफी ऑन द माइक जितनी वक्री है आई ऐसे ही है। इसी के साथ साथ इनका वाइन्स प्लस ब्लॉगिंग भी करते हैं, इसके साथ साथ म्यूजिक की बात करूँ हमारे टेस्ट के बंदे भी हैं, म्यूजिक भी करते हैं और रैपर हैं बहुत कमाल किस्म के, इनका गाना बड़ा अच्छा है पीटी के ऊपर, पीटी से इनका ताल्लुक है, और वेलकम करते हैं जी डेफी ऑन स्पॉटलाइट जिनकी वक्री है आई। अस्सलाम वालेकुम जी डेफी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जिगर, सब जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो शुक्रिया बुलाने के लिए, आप लोग आपका शुक्रिया लोगों का, हां तो आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त निकाला, और कोई चक्कर हमारे शो का आप चार चांद लगाएंगे। दर पोतरा जी जरा आपके अंदाज में थोड़ा सा, आप जरा क्यों करें जरा थोड़ा आप अंदाज पोतरा जी, बस ठंड सी बड़ी ज्यादा, तो भाई साहब को मैसेज आया कि बहुत जी जरा सीन पार्ट कर रहे हैं, मैंने कहा चलो जी हम भी स्टूडियो बैठे थे, मैंने कहा ठीक है भाई आज करते हैं कोई ना कोई सीन पार्ट, तो फिर आज हम आपके साथ करेंगे सीन पार्ट और हमारे साथ यहाँ पे होगा सीन पार्ट, तो सीन पार्ट आप देखते रहे शो के एंड तक, जो आपको चस आएगी चस आएगी, तो भाई जी ये भाई अपनी जो पोनी है ना ये बिठवा देंगे जी, बोला को पहली बैठी और बिठवा देंगे जी। अच्छा जी, तो डेफी जी, डेफी तो आपके करेक्टर का बेहतरीन काम, मोइस के बारे में बताए जी, सबसे बताना चाहूँ आप मोइस इनका रियल नाम और मोइस कौन है, डेफी को तो लोग काफी लोग जानते होंगे, डेफी के बारे में पूछेंगे हम, मोइस कौन है, कहाँ से ताल्लुक रखता है, स्टडीज के बारे में, मोइस की स्ट्रगल के बारे में हम क्या यार जी। मोइस सबसे पहले तो आपके सामने बैठा है ये, तो स्टार्ट मैंने जो अगर मतलब इससे हट के पहले मैं स्टार्ट की बात करूँ, तो मैं बहावलपुर में पैदा हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब थे आर्मी में थे, तो उस टाइम उनकी पोस्टिंग जो थी वो वहाँ पे बहावलपुर में थी, तो मैं वहाँ पे पैदा हुआ, उसके बाद पैदा होने के 10 दिन बाद ही हम पिंडी तशरीफ ले आए, तो यार पिंडी असल में हम बेसिकली तो हम यहाँ से, तो अब 10 दिन हम पिंडी आ गए, उसके बाद फिर मैं स्क्रीम 3 हमारा स्कूल होता था एफ जी गजी आजम पब्लिक स्कूल, मैट्रिक मैंने वहाँ से की, असगर माल गाली से मैंने जो है पिस्टलबाजी की, कि मतलब कि एफ ए की, मैंने एफ एस सी में एडमिशन लिया, अच्छा एफ एस सी में एडमिशन लिया, तो वो मैं 6 साल सप्लियाँ देता रहा, और उसके बाद जो है ना फिर मैंने एंड में सिंपल एफ ए कर लिया था प्राइवेट में, चलो ठीक है इंटर का नाम हो गया क्या बात है, तो ये सीन हो गया था। उसके बाद फिर मैं दुबई चला गया, दुबई गया, और दुबई में तकरीबन मैंने अपने 2.5 साल एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेस्ट किए, वेस्ट किए तो टाइम वेस्ट नहीं होता, सुकून में सूत्रों में हो जाते हैं, खैर उस टाइम सूत्रों में हो गया, और मैं जो है फिर 2.5 साल बाद वापस पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आने के बाद फिर उसके बाद जो है रैपिंग वगैरह ठीक है स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग स्टार्ट की मैंने, ब्लॉगिंग वगैरह करने के बाद जो है मैं फिर बस यहाँ पे थोड़ा सीन नहीं बन रहा, फाइनेंशियली सीन नहीं बन रहा था, मैंने डिसाइड किया कि यार मैं दोबारा बाहर जाऊँ, मतलब कि एक दफा फिर जो है एक दफा फिर मेरी टांग में जो है ना कीड़े ने चक मारा, मैं चला गया सऊदिया में, फिर मैं 2.5 साल अभी स्पेंड किए मैंने वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम शम अच्छा था, जो भी अच्छा था, गया, ठीक हो गया, तो काम शम चलता रहा, बट वहाँ पे सीन अब ये हो गया था कि मेरा जो ये जो रैप सिस्टम था ना ये कट ऑफ हो गया था, तो ये अब मैंने वहाँ पे मैंने कहा यार अब क्या सीन करें, क्योंकि उस टाइम मैं एक दो ट्रैक जो है मेरा फ्रेंड है भाई है मेरा अरबाज, उसने मेरे बनाए थे बहुत अच्छे, और वहाँ सऊदिया जाके मैंने जो है उसको अपलोड किया था, अच्छा ठीक है, वहाँ पे जाके जब वो ट्रैक अपलोड हुए ना तो वो जो है वायरल हो गए टिकटॉक पे, अच्छा टिकटॉक पे वायरल हुए, उसके बाद यूट्यूब पे काफी पब्लिक आने शुरू होगी, पेज पे पब्लिक आने शुरू होगी, बट द थिंग इज कि आप मेरे पास वहां पे जो है ना कुछ करने के लिए नहीं था, आगे कंटिन्यू करने के लिए नहीं था, फिर आपने डबिंग का सफर शुरू किया, तो इसी पूछिए सवाल अगला मेरा कि यार फेमस आप जो ज्यादा जाने जाते हैं डबिंग की वजह से, डबिंग की वजह से कैसे ख्याल आया डबिंग का? अच्छा यही मैं आपको बता रहा था कि सीन अब ये हुआ कि वहां पे मैंने सोचा कि यार मैं करूँ क्या, अब सीन वहां पे ये था कि एक कमरे में नाम तकरीबन
12-13 बंदे रहते थे क्योंकि वो कंटेनर टाइप की अकोमोडेशन थी, ठीक है, और डबल डबल वहां पे बेड होते थे, ठीक है, मतलब कि रात को आपका छोटा भी आ गया ना तो आपने वॉशरूम में जाना है तो आप पहले ये सोचेंगे कि यार मैं हिलूंगा नीचे वाला हिलेगा तो ये क्या कुछ तो वहां पे मतलब ये रैप वगैरह म्यूजिक वगैरह नहीं हो सकता था, ठीक है, पहली चीज होगी। अच्छा दूसरा सीन ये हो गया यार, पब्लिक भी आ रही थी, लोग मैसेजेस कर रहे थे, काफी सारे लोग मैसेज कर रहे थे यार आपका ट्रैक अच्छा है, आपने बहुत अच्छा गाया है, स्टोरी अच्छी थी गाने की आपकी, उससे पहले मेरा एक पिंडी ट्रैक था वो भी उस टाइम, फिर जब ये वायरल हुआ था उस टाइम वो भी वायरल हो गया, ठीक है, तो ये सीन हो गया। उसके बाद फिर करते करते मैंने कहा यार किसी भी तरह जो है ना जो पब्लिक आ रही है इसको एंटरटेन करना है, ठीक है, सो फिर मैंने मतलब के डबिंग वगैरह स्टार्ट की, अचानक ख्याल आया कि देखा मुझे ऐसे में कार्टून्स बहुत पसंद है, टॉम एंड जेरी में बहुत ज्यादा देखता हूं मैं, मतलब कि हद से ज्यादा देखता हूं, अभी भी मैंने तो देखे होते हैं फिर भी मैं कहता हूं नहीं यार जी बास्केटबॉल का एक बंदा सोता था ग्राउंड सा उसमें बैठ में सिगरेट पीता था टॉम एंड जेरी देख रहा होता था। अब फिर मैंने मतलब अचानक ख्याल आया कि टॉम एंड जेरी अगर बोलना शुरू कर दे कितने मजे का वो सीन, तो फिर मैंने वहां से एक चीज पकड़ी कि मैं यार इसको डबिंग करते हैं इस पे, सो फिर उस पर मैंने जेरी का अलग करेक्टर रखा, टॉम का यानी कि उसका साउंड अलग सेट किया, देन ये चीज जो है फिर करती करती। अब डबिंग करते हैं आप लोगों को भी बता चले आसान काम नहीं होता डबिंग, आपको आवाज बनानी पड़ती है, उसके लिए गला थक जाता है, यू नो हम भी मतलब मैं म्यूजिक रिलेटेड हूं, हम पता है कि हम कुछ चीज की डबिंग करते हैं कुछ ऊंचे नोट लगाते हैं गला ऐसे थक जाता है, तो जब गला आप आवाज बनाते हैं और वही आवाज डायरेक्ट आपकी यहां से निकल रही है, ठीक है, आपका हेड वॉइस की लगता है, ठीक है, सो कैसे इसको मैनेज करते हैं आवाज का ख्याल कैसे रखते हैं? अच्छा आवाज़ का ख्याल तो ये सीन है कि भाई अगर मैं वीडियो बना लूँ ना, मतलब एक दिन मैंने कहा मतलब एक दिन मेरी अब लोग मुझे यही मैसेज करते हैं कि भाई अब वीडियो बहुत कम बनाते हैं उनको यही पता कि भाई बंदे में मेहनत कितनी होती है, अच्छा मुझे बंदे मैसेज करते हैं दिन में 10 वीडियो फेंका कर, दिन में 20 वीडियो फेंका, भाई किस तरह फेंके भाई, अब एक वीडियो जब मैं बनाता हूँ उसमें कम अज कम भी 2-3 घंटे लगते हैं, चाहे वो 3 मिनट की वीडियो चाहे, ठीक है, तो उसमें ये डेफिनेटली गला थक जाता है, उसको रेस्ट देना पड़ता है कि भाई एक दिन में फिर एक ही वीडियो बनती है, अगर मैं दिन में 3-4 वीडियो बनाऊंगा तो डेफिनेटली मेरा गला जो है खराब हो जाएगा आवाज देने के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा स्टे लेता हूं। तो जो आवाज ये भी जो बनाई है टॉम की आवाज बनाई मिस्टर बी की पीछे आवाज, तो ये खुद ही से ज़हन में ख्याल आया क्या भाई यार नेचुरली निकल गई है, सोचा है यार ऐसी आवाज बनानी चाहिए इसकी। अच्छा इस पे ये सीन था कि मैंने काफी सारी पहले ना ट्राई की, मतलब वो कहते हैं ना काफी जब आपकी सक्सेस के पीछे ना काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप खुद भी देखते हो तो कहते हैं यार तो मैंने काफी पहले ट्राई की करते करते आहिस्ता जो है ना ये जो आवाज थी ना ये टोमाजी में जो है ना फिट हो गई थी, तो मैंने कहा यार इसको जो है टोम के लिए रखें। अब पहले मैंने स्टार्ट में इसी आवाज को यानी कि सारे करेक्टर्स पे अप्लाई किया, बट द थिंग इसके वो लोगों को थोड़े बहुत पसंद तो आती थी लेकिन वो सेम वॉइस होने की वजह से वो मजा नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसमें एक स्पाइका होता है स्पाइकर की अलग आवाज कड़ी, टोमे की अलग आवाज निकाली, मतलब ये सारा जो सीन था ना, तो सबसे पहले वीडियो टॉम पे शुरू की, सबसे पहले वीडियो मैंने ओगी पे बनाई, मेरे पेज पे नहीं के जब मैंने डाली उसको फर्स्ट टाइम तो उस पे ना कोई 300-400 लाइक आ गया, अब 300-400 लाइक मेरे लिए बड़ी बड़ी बात है, 300-400 लाइक मेरे पेज पे चल गया अब फिर, लेकिन मेन मेरा ये था कि यार टॉम एंड जेरी को किसी तरह डब करना, अब सीन ये था कि टॉम एंड जेरी को डब करने के लिए ना उसकी मतलब वॉइस उसके पीछे थी नहीं और वो भी एक तरह की पकड़न पकड़ाई होती है, तो उस पर आपने फिर स्टोरी भी लिखनी है, स्टोरी भी बनानी है, उसके बाद उसके कैरेक्टर्स के डायलॉग आपने बनाने हैं, उसको फिर आपने 30-40 दफा उसको देखना भी है 3-4 मिनट की, उसके बाद करते करते लेकिन जब मैंने टॉम एंड जेरी डालना शुरू की तो उसके बाद जो है ना सीन चेका, तो किस करेक्टर को मजा आता है ज्यादा डब करने का? सबसे ज्यादा डब करने का मजा तो मिस्टर बीन को आता है यार, एग्जैक्टली मिस्टर बीन के ऊपर ही मैंने पहली वीडियो देखी मैं, मुझे बड़ा पसंद आया था, और मिस्टर बीन की जो वीडियोस थी मेरी जब मैंने मिस्टर बीन डाला उसमें इशू ये था कि वीडियोस तो मेरी नहीं थी साउंड मेरी थी, चाहे मैं स्टोरी मेरी थी डायलॉग्स मेरे थे, कॉपीराइट का इशू आया तो काफी कॉपीराइट का बहुत इशू आया उस पे, तो उसमें 3-4 घंटी मेरे पे स्ट्राइक्स लगी और वो वीडियो भी मैंने बहुत मेहनत से मैंने बनाई थी, तो लेकिन ये है कि जब एक मतलब चल गई वो वीडियो एक दिन की जिसपे कॉपीराइट नहीं आया वो जब चल गई मैंने बिल्कुल उसकी यानी कि ओरिजिनल साउंड को माउट किया जो पीछे जो डिटेक्ट करती थी, तो जब वो चल गई तो उस पर तकरीबन 7-8 मिलियन जो है ना व्यूज आ गए, तो वहां से जो है सिस्टम आ। अच्छा मैं कभी भी कहूं मैं भी देख रहा था क्या मिस्टर बीन पे का वीडियोस आना बंद हो गए, तो दैट्स द इशू, कॉपीराइट का बड़ा इशू होता है समझते नहीं है, हम कोई कवर करके डालते हैं YouTube पे तो कवर किया लिखा हुआ कवर आ जाता है, हां कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं ऐसे फजूल में, कोई नहीं होता रहता है। सो अपनी रिकॉर्डिंग्स कहां करते हैं? खुद ही करते हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग तो अब स्टार्ट में मोबाइल पे किया था मैंने स्टार्ट,
क्योंकि मोबाइल ही था वहां। साथ टीम है सिंगर मैन आर्मी जो डबिंग मेरी वीडियोस है ना ये मैं खुद ही करता हूँ, मोबाइल भी रिकॉर्ड करता हूँ ठीक है, और उसके बाद जो मेरा रैप करियर है सॉन्ग्स वगैरह मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो मेरा भाई अरबाज एमडी अच्छा तो उनके टीम के साथ रिकॉर्ड करते हैं। क्या बात है। सो ये आपने बात बताई वीडियो में कितना टाइम लगता है, ये दोबारा से बताएं कि कितना टाइम लगता है, कैसे वो पूरा प्रोसेस एक वीडियो को देखना करना, क्योंकि 3 मिनट की वीडियो 4 मिनट की वीडियो लगता है कि यार ये बन गई है चलो मैक्सिमम आधे पौने घंटे बन गई, तो उसमें लोगों को ये लगता है कि यार ये बन गई है आ गया जी, उसमें अब सोचना है क्या कि पता लगे नहीं पता यार इसने अंदर मेहनत कितनी हुई है। अब एक वीडियो है ना आप उसको देखते हो यार इसको मैंने डब करना है, अब उसको पहले आप देखोगे पहले आपको कुछ समझ नहीं आएगी, वो बस यही है टॉम एंड जेरी में टोमा जेरी के पीछे भागता ही रहता है ऑब्वियसली ठीक है, अब उसके अंदर आपने सीन डालना है कि ये स्टोरी होनी चाहिए, अब देखा आपने तो आपको इतना मतलब माइंड में एक सीन नजर आ गया उसमें को रंग ठीक है, अब उसके अंदर आपने फिर एक एक एक, एक बंद उसके कैरेक्टर का डायलॉग भी रखना, अगर टॉम एक्ट कर रहा है तो फिर उसका उसका डायलॉग है, जेरी एक्ट कर रहा है तो उसका डायलॉग है, करते करते उस डायलॉग भी लिखने और वो स्टोरी भी पूरी कवर करनी है एंड तक। एग्जैक्टली अब कुछ कुछ डायलॉग लंबे भी हो जाते हैं वो कवर अप करना है शॉर्ट्स में, मेरी कोई भी वीडियो आप देखेंगे ना उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में उसका टाइटल दिया होगा कि ये सीन है, तो ये सबसे मेन चीज होती है कि आपने डिफाइन करना है कि यार क्या चीज है। अच्छा थोड़ा चलते हैं आपके एक अलग टैलेंट की तरफ, रैप म्यूजिक आप करते हैं, म्यूजिक से आपका ताल्लुक है, रैप के बारे में कुछ बताएं कैसे ख्याल है रैप करने का। रैप तो मतलब आप कह सकते हैं कि बचपन से मतलब ये मतलब छठी में सातवीं में पढ़ता था और उस टाइम एक ही रैपर चलता था और अभी भी स्टिल वही चलता है बोहेमिया तो सीन ये होता है कि मैं छठी सातवीं में जब मैं पढ़ता था तो मैं इसको बहुत ज्यादा सुनता था, बहुत ज्यादा ही सुनता था ठीक है। अच्छा अब करते करते मतलब इसके रैप सॉन्ग जो है मैंने के मेरे सारे याद हो गए भाई जो जो उसके उस टाइम मतलब फेमस इसके ये थे, एक तरह प्यार हो गया, काली दिनाली हो गई, ये इनको सुनने में मुझे बड़ी बड़ी चस आती थी, फिर मैंने कहा यार अब मैं इसको याद हो गए फिर मैंने करना शुरू कर दिया, फिर मैंने कहा अपना गाना क्यों अपना गाना चस आ जाए, लिखते ही बड़ा अच्छे हैं यार, मुझे मजे की बात है कि उनकी वीडियो में आप प्रोड्यूस करें काफी लतीफ का बड़ा ख्याल रखते हैं के गाने मुझे इस तरह याद हो गए थे कि लड़के आके बैठते थे कहते भूमिया वाला गाना सुना उसको करते करते उस टाइम मतलब सेट हो गया मेरा सिस्टम, तो फिर मैंने कहा यार मैं रैप करना है रिकॉर्ड करना है। अच्छा उस टाइम ना ये जो म्यूजिक स्टूडियोस होते थे ना बड़े एक्सपेंसिव होते थे, ये बोल के बहुत कम कम होते थे ही नहीं अभी तो बहुत ज्यादा मतलब बात है तकरीबन 2011-2012 की ठीक है, बहुत कम कम यानी कि स्टूडियो होते थे, तो मैं छोटा था बीजे में पैसे भी नहीं होते थे। अब स्टूडियो खैर जी एक बताया स्कीम थ्री वाली साइड पर स्टूडियो है जी, मेरे दोस्त बताया कहता उधर जाके गाना रिकॉर्ड कर, मैंने कहा ठीक है जी। अब मैं किसी से उस बंदे का नंबर ले लिया, मैं कहा जी अभी गाना रिकॉर्ड करना है जी, हमने तो फोन छून किया, कहता है जी आ जाओ भाई, मैंने कहा जी कितने पैसे लेंगे गाना रिकॉर्ड करने के। अच्छा आज से 10 साल पहले आपको पता है 23,000 रुपए की कितनी वैल्यू थी, कहता भाई 23,000 रुपया लूंगा ऑडियो का नाम रिकॉर्ड कर दूंगा। मैंने भी आपसे 10 साल पहले गाना रिकॉर्ड कराया था, मुझे भी ऐसे 25,000 करते कराते। अच्छा तो ये सीन हुआ, खैर जी वहाँ पे चले गए हम स्टूडियो में, मैंने कहा यार आप कम शम करें पैसे नहीं इतना तो बहुत ज्यादा है पैसे। अच्छा वहाँ गए तो आप आओ तो मैं आपको बताता हूँ, करते करते जो है मैंने पहला गाना अपना रिकॉर्ड किया था 18,000 रुपए में, जो मैंने बाद में मैंने रिलीज नहीं किया था, बाद में मुझे अच्छा लगना शुरू पहले अच्छा लगता था, बाद में मैंने कहा यार क्या चीज़ है, मैंने अपलोड ही नहीं किया वो गाना। उसके बाद आहिस्ता 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 जो है करते करते जो है ना मैं कॉलेज से फिर थोड़ा काम की तरफ आया, काम वगैरह स्टार्ट किया काम, लेकिन मुझे रैप का लेकिन जो मेरा शौक था ना बरकरार था, तो उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ में मुझे मेरा फ्रेंड मिला अरबाज, तो इन्होंने भी एक गाना वगैरह रिकॉर्ड किया हुआ था, उनके यूट्यूब में उनका गाना देखा, मैंने नीचे कमेंट शमेंट किया, तो करते करते फिर हमारी आपस में दोस्ती होगी। अब हाँ हाँ मैं और अरबाज है एक मल्ले के ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये रैप करता है, ऐसे ये नहीं पता था कि ये रैप करता है, मेरे दोस्त को भी शौक था मुझे भी शौक था। खैर इसके बाद फिर मैं चला गया, हमारी दोस्ती वस्ती होगी, मैंने कहा गाना रिकॉर्ड करते हैं, कहता अपना करेंगे भाई स्टूडियो से तो बड़ा महंगा होता है, मैं कहा चलो ठीक है भाई अपना करेंगे। अब इसके पास एक माइक होता था स्नोबॉल का भी, खैर वो माइक होगा वो डायरेक्ट आप लैपटॉप में लगा दिया, वर्किंग स्टार्ट कर दिया। अब वो करते करते हमने अपना पहला गाना उस पर रिकॉर्ड किया ठीक है, करते करते दूसरा किया, करते करते मतलब इस तरह के वो ऐसे गाने थे कि भाई अभी मैं आपको सुनाऊंगा आप हंसेंगे, लेकिन उस एज में वो सीन था कि उस एज में वो सीन वो बनाई तो सबसे बड़ी बात ही होती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर हम मतलब उसने काम शम सीखा तो हम वो प्रोफेशनली करना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो है आप एक ट्रैक मैंने सुना है पिंडी वाला, पिंडी का बनाया कैसे ख्याल आया? अच्छा ये ट्रैक मैंने बनाया था तकरीबन दुबई जाने से पहले 2016 में
2016 में बनाया था। अब ट्रैक मैंने बनाया, उसके बाद ट्रैक डाला, ट्रैक वायरल हो गया। वायरल इसलिए हुआ क्या, वो ट्रैक था ऑडियो और वो बहुत से लोगों ने अपनी वीडियोस उस पर लगा के, ठीक है, वीडियोस उस पर लगा के तो लगाई हुई थी आगे, ठीक है, ठीक है। अब मैं उस पर ना क्लेम कर सकता था ना कुछ कर सकता था। फिर मैं दूसरा ट्रैक अपना बनाया पिंडी स्टोरी, जो कि मोस्ट वायरल हुआ टिकटॉक के ऊपर, ठीक है, उसमें हजारों के हिसाब से वीडियो बनी हुई है, टिकटॉक्स बनी हुई है। तो उस गाने की के ऊपर जब मैंने वो गाना अपना डाला तो उसके ऊपर जो मुझे है कि काफी सारा रिस्पॉन्स, अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और उसके बाद सोदिया वाला सीन हो गया था, तो ये फिर मैंने कहा रैप में कोई इंस्पिरेशन को आइडिया बोहेमिया और इंडिया में अगर बात करूं तो कोई खास तो नहीं, लेकिन एक लड़का जो चल रहा है ये शुभ नाम है, एक बुक शॉप है इधर मलिक बोल्ड बुक कमेटी चौक, काफी पुरानी शॉप है, तो वहां पे मैं और वो चले गए। अब वहाँ पे जो काम करने वाले जितने लड़के थे ना सारे यानी कि वो के फैन चैन थे, वीडियो चीज़ें डबिंग वाली देखते थे, तो वो आ गए सेल्फी शेल्फीज उन्होंने लेना शुरू कर दी, वीडियो अच्छा, शुरू कर दी। अब मेरे वो बाहर खड़े हुए थे, हमने अंदर एक बुक पता करनी थी, बुक चाहिए थी, तो मैं अंदर बुक पता पता करूँ। अब सेल्फियाँ वो लड़के मेरे से ले रहे हैं, अब वो मेरे बाहर खड़े होकर ना देख रहे हैं मुझे तो अब वो उसके बाद सेल्फी शेल्फी ली, खैर बुक शुक ली, बाहर आए। अब कहता है क्या सीन सी, मैं कहा फिल्म है फिल्म। तो अब कहता है ठीक है जी, ये कड़ी फिल्म है, लेकिन उनको इतना नहीं पता है इसके बारे में। लेकिन अब सीन ये होता है ना कि उनको पता है कि भाई कुछ ये कर रहा है, कुछ कर रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ कर रहा है, क्योंकि अक्सर अब मोहल्ले के बच्चे आ जाते हैं। हाँ। वो अब क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में नहीं था अभी तक, मुझे महीना डेढ़ हुआ पाकिस्तान में, मोहल्ले के बच्चे आ जाते हैं, वो हम डैफी भाई घर पे हैं जी, अम्मी कहती है नहीं यार घर चलो निकलो, और सोया जी ये है जी वो है, तो वो अब देखता क्या क्यों बच्चे आ रहे हैं, फिर अब्बे को पता लगा कि हाँ ये सारा वीडियो शीडियो बनाता है और ये सब देखिए लगा रहा है, कुछ बोले नहीं है लेकिन ये खुश है, खुशी वजह बहुत बड़ी बात होती है। तो वालदा क्या रिस्पॉन्स है, वालदा बस मतलब साथ देती है यार काम में, ये सबसे बड़ी बात, सपोर्ट सबसे जरूरत में होती है, सपोर्ट के लिए एक स्पोर्ट होनी चाहिए कि एक आपको ना एक वर्बली फिजिकल स्पोर्ट है, फाइनेंशियली की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और इससे इंसान को मोटिवेशन ऐसे ही है, ऐसे घर वाले आपको एक चीज से नहीं कि आपका एक शौक है उस चीज से आपको रोकते रहेंगे ना। हाँ। तो मतलब आप उस चीज में जितने मर्जी अच्छे हैं आप नहीं कर सकते, एग्जैक्टली चीज रख कर जाती है, आप कहीं कहीं लैग कर जाते हैं। अगर आपको वो सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सपोर्ट नहीं करते और कुछ नहीं भी बोलते कि ठीक है फिर भी आपकी स्ट्रगल है, फिर भी आपके ऊपर आपकी दी, मैंने टिकटॉक के बारे में क्या रिव्यूज है आपके यारा जी, टिकटॉक अब क्या कह सकते हैं, एक ही रिव्यू मतलब मैं बात करूंगा उस पर कि टिकटॉक की वजह से जो है ना जो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं यूट्यूब पे हो गए, फेसबुक पे हो गए, इंस्टाग्राम पे हो गए, जो कंटेंट बना रहे हैं वो अंडररेटेड है टिकटॉक की वजह से, बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की कि बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं क्यों अब हाँ बताए क्वालिटी मतलब जो टिकटॉक देखने वाले की जो है ना वो मतलब उस तरह कोई भी बंदा ना अगर उनको पढ़ा लिखा नहीं भी है जाहिर बंदा है या पढ़ा लिखा है या जैसे भी कोई बंदा है सबको मोबाइल में टिकटॉक का निकाल के ऐसे 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 करना है ठीक है और वहां देखना और क्या देखना है वो बताइए ठीक है सीधी बात। तो उसकी वजह से अब ये चीज है कि लोग इस तरफ नहीं आते यूट्यूब पर वगैरह नहीं आता, बदकिस्मती ये भी है कि अब टिकटॉक पे जितने सब नहीं टिकटॉक पे भी कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं मोटिवेशनल, मतलब बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स है उसके बाद मतलब अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, फनी कंटेंट अच्छा बना रहे हैं, लेकिन कुछ बट ये चीज को बदकिस्मती बोलता हूँ हमारी टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस वजह से ये है कि अब यूट्यूब से नहीं टिकटॉक से लोग मशहूर हो रहे हैं, अपने गाने को टिकटॉक पे लेके आते हैं कि मेरे गाने को व्यूज मिले, ऐसा ही एक चीज है, बदकिस्मती है कि आप कंटेंट इसके मेरा गाना भी जो है मतलब जो ज्यादा टिकटॉक से उठाने को एग्जैक्टली स्पेसिफिक क्लिप है सब चलाएंगे, लेकिन सीन ये है कहने का मतलब ये है कि यार उसकी वजह से जो है ना बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अंडररेटेड रह जाते हैं, ठीक है ऐसे ही ऐसा कोई यादगार लम्हा को मैं से शेयर करना चाहें जो आपको याद रहे यार एक अच्छा मोमेंट यार, इस तरह के तो बड़े हैं लेकिन अब चलो एक दो शेयर करता मैं आपको, कल परसों का वाक्य सुनाता हूं, ठीक हो गया, मैं छोटे भाई के साथ जा रहा था स्कूटी के ऊपर, अच्छा जी अब कॉलेज रोड से हम गुजर रहे थे, काली जोड़ से गुजर रहे थे तो वो ना साइड पे गाड़ी रश होती है वहां पे काफी सारी, हाँ ठीक है गाड़ी में दो तीन लड़कियां बैठी हुई थी,
अब वो एक एक गधिया जो डेफी है वो जो वीडियो बनाता है ना, और मेरी स्कूटी भी उनके साथ ही थी। पहले तो मैं थोड़ा दीवाना हुआ, मैं स्कूटी पे किधर जा रहा हूँ। उसके बाद क्या सीन हुआ कि उन्होंने इशारा किया तो मैं समझ गया चलो यार फैन चंद ये बुलेटर पढ़ रहा हूँ। अब डेफी है मैं जी, मैं डेफी पीछे मेरा छोटा भाई बैठा हुआ था। तो अब करते करते मतलब उन्होंने मैं सेल्फी शेल्फी का कुछ इस तरह किया, मैं ठीक है जी ले लीजिए आप सेल्फी ले रहे हो कर ले। अब मैं बीच में थोड़ा चौड़ा हो गया ना थोड़ा चौड़ा हो गया बीच में। जब स्कूटी थी, स्कूटी का मुझे नहीं पता था खाली अगली ब्रेक है, छोटी सी मेरी स्कूटी थी, छोटे भाई की स्कूटी थी। अब मैं जी पहले चौड़ा छोड़ा सेल्फी शेल्फी दे गया, वो थोड़ी फीलिंग शीलिंग आई, मैं जबरदस्त मैं स्कूटी गई आगे एकदम जाम पाया। मैंने अगली ब्रेक मारी होगी, मैं नीचे गिर गया, बच गया पीछे देख लेकिन ये ऐसे है कि मैं ऑनलाइन ये मैं पूछ लूंगा बाद में, आप लोगों को नहीं बताना ठीक है। अच्छा ठीक हो गया जी। सो अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में टैलेंट को कैसे देखते हैं आप, और टैलेंट कैसे देखते हैं मतलब कि कैसा टैलेंट आपको लगता है पाकिस्तान का, प्लस उनको क्या खुद से करना चाहिए, एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे, कैसे वो एक सच स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं हमारे पास ऐसे खुद से वो कैसे ऊपर आए क्या करें। देखें पाकिस्तान में सबसे पहली बात टैलेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट। सीन सिर्फ यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में अगर आप आर्टिस्ट हैं और मैं भी आर्टिस्ट हूँ, हम दोनों टैलेंटेड है, मैं कोई काम कर रहा हूँ आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, आप कर रहे हैं मैं आपको नहीं करूँगा, ये चीज पाकिस्तान के अंदर आप बहुत ज्यादा अच्छी लगे आपको बुरी लगे बहुत ज्यादा, ठीक है। इस वजह से जो आर्टिस्ट होता है मेरी सपोर्ट उसको नहीं होती, तो अपना आगे जो है ना नहीं बढ़ता, वो फिर उसके मतलब वो अच्छे से बहुत मेहनत करता है करता है लेकिन एंड में क्या होता है डिसार्ड हो जाता है, क्योंकि उसको किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, उसके नहीं कि चैनल भी बनाया था व्यूज नहीं आ रहे होते या करते करते उस काम अच्छा होता है, लेकिन सपोर्ट ना होने की वजह से वो एक स्पेसिफिक पुश चाहिए होता है हर बंदे को, वो अब इतना हमारे पास में इतना ज्यादा हो गया टैलेंट वास्ट हो गया कि अब हर बंदे के सामने नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कि एक यूट्यूब है उस पर लाखों लोग गाना गा रहे हैं, अब लाखों लोगों को लाखों लोग नहीं जानते। सो आपको अभी इसका ये मतलब नहीं आप बुरा काम कर रहे हो, मतलब बुरा काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो, बट आपको एक पुश चाहिए होता है। मेरा मशवरा यही है कि इसे खुद के लिए करें, फेम और ये जो नाम शाम है किस्मत है आपको मिलेगा, आपकी मेहनत के मुताबिक आपको चीज मिलती है, जो आपके यानी जो आपके लिए रिस्क और इज्जत अल्लाह ताला लिख दिया वो आपको मिलती रहनी है, वो आपसे कोई बनना नहीं चाहिए, जल्दी मिलेगी लेट मिलेगी, आपका सबर है जितना आपका ना मतलब सबर है ना ऐसे ही तो उतना अच्छा आपको देंगे यानी फल मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं भी मतलब 7-8 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और अभी मुझे 1-2 साल में आगे जो है मेरे पेज पे अभी मतलब कहाँ पे कोई जानता ही नहीं था, और अभी जाके 13-13 लाख 14 लाख खाली मेरे फेसबुक फॉलोअर हैं ऐसे ही, बाकी प्लेटफॉर्म्स वाले मुझे देखिए 12 साल हो गए मोस्ट बैठा हूं यहां पे, देखो ना बंदा क्या कर भाई वो टैलेंटेड है, रॉ का खा गया क्लासिकल भी छेड़ा सारा कुछ छेड़ा, मुझे कोई टेंशन नहीं है सीरियसली, मैं अपने काम से खुश हूँ और हर किसी का वक्त होता है, काम चल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसी चीज आपकी होती है जो आपको नहीं आगे। अब जिस तरह मैं डबिंग करता हूँ तो मुझे डबिंग आगे पूछ दिया, अब उस पुश की वजह से फिर मैंने आगे वाइन भी बनाना शुरू किया, ब्लॉगिंग भी शुरू, सिंगर्स आप देखें एक गाना पर क्लिक हुआ और उसके बाद फिर तो भाई मेरी डबिंग मेरी पुश हुई, उसके बाद फिर मैंने जितने भी मैंने बाकी मेरे ये चीजें थी ब्लॉगिंग, और अब आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है आपने कंटेंट क्वालिटी वाला देना है, क्वालिटी वाला, आपने वो चीज नहीं करनी है मैंने जो कर रहा था, एग्जैक्टली। अच्छा थोड़ा सा हमें जरा डबिंग में टॉम एंड जेरी और जेरी की कुछ सिनेरियो बना देते हैं जी, चले जेरी की शादी हो रही है और टॉम को इन्वाइट नहीं किया, इन्वाइट नहीं किया, जेरी की शादी हो रही है, छोटा सा सिनेरियो उन्हीं के अंदाज में। अच्छा अब टॉम निकल रहा है घर से बाहर, लेकिन मैं तो उसकी शादी पर जैसा पावे मैंने कार्ड लगे नहीं लगा। अब जेरी स्टेज पे बैठा अपनी दुल्हन के साथ, क्या बात है ये जानिए मन जल्दी से फंक्शन खत्म करते हैं उसके बाद चलते हैं, टोमा जी यहाँ पे आगे जो इंशाल्लाह खाना खा देना। ओए अब जेरी जी वो गेट के ऊपर पहुंच गया, ओए जेरी बचे तू मैंने कार्ड को नहीं भेजा, अबे हाइट पे टोम तू बच्चे आगे शादा खाना खा जाता, मैं तो ये काज किस लिए भेजता, अरे खाना खा जाता तुम जो मेरे साथ दूसरों की शादियों में जाके शापरों में खाने भर के लेके आते रहे हो उनका क्या, अबे हाइट पे मेरी बेगम शाद बैठ गई इसने की बात मत मैं थप्पड़ मारूंगा। किस तरह क्या बात है, बहुत अच्छे यार, वेरी गुड माशाल्लाह बहुत अच्छे, और ये बैठे बैठे बनाया कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, और ये को ये भी नहीं पता मैंने से पूछना है और मुझे भी नहीं पता मैंने पूछना चाहे जहन में आया। सो डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया में से कोई ऐसा रैपर आप बताएं जो आपको
नहीं कि मोस्ट फेवरेट हो लेकिन अच्छा लगता है, ठीक है ओके इज गुड। पाकिस्तान में से मैंने बताया हाशिम नवाज, हाशिम नवाज दैट्स ग्रेट। एक एमडी है, एमडी नेशनल नाम से का चैनल है, एमडी ठीक हो गया, अच्छा ट्रैक मत अंडररेटेड है लेकिन बेस्ट है, ठीक हो गया, ठीक है ये दो लड़के। उसके अलावा जो है इंडिया से अगर बात करें तो अनी सिंह तो है ये, मतलब हम स्टार्ट में सुनते थे, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद रफ्तार भी अच्छा है, रफ्तार भी ठीक है, मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट है, सबका अपना अपना अंदाज है। इंटरनेशनली सुन रहे आप, सुनते हैं इंटरनेशनल उसको सब पास कराओ, इंग्लिश आनी है फॉर क्रॉस, ठीक है अरे फॉर क्रॉस पर कैसे भी सुन लिया जान, ठीक हो गया। चलिए अब इस तरह के एक सेगमेंट हमारा रैपिड फायर के, मैं आपके सामने कुछ रैपर्स क्योंकि आपकी फील्ड से रिलेटेड डबिंग का मिजाज लोगों को जानता नहीं था, तो आपका रैप का टारगेट भी है, आपका मेन काम क्योंकि आपने रैप से स्टार्ट किया, तो रैपर्स कुछ नाम ले लूंगा, आपने क्या करना है इनको 10 में से नंबर देने हैं, मार्क्स देने हैं। वाला मैं टीचर हूं, बहुत कमाल का काम कर रहे हैं जी पाकिस्तान में, इस टाइम बड़े हाइप पे चल रहे हैं। फारिस रफी 8 बड़ा अच्छा रैपर है, लोग बहुत से कम बहुत से लोग नहीं जानते उनको, लेकिन कंटेंट में बड़ा खतरनाक किस्म का कंटेंट है उनका। यंग देसी 10 out of 10 जबरदस्त, बट द थिंग इज के यंग देसी का स्टाइल आपके स्टाइल से बहुत जुड़ता है, वो एक सेम वो है ना, वो अपना इलाका कल्चर को प्रमोट करना थ्रू रैप, एक स्टोरी का चीज बनाता है, अच्छी बनाता है, अच्छी बनाता है, बड़ा मजा कराता है वो। एक्सपेरिमेंट आर अच्छा, लिरिक्स अच्छे हैं, लिरिक्स अच्छे हैं, जबरदस्त। एक्सपेरिमेंट आर रैप डीमन नहीं, आगे चले निकलो जी। हाशिम नवाज 10 अच्छा जी, अब मैं कुछ नाम लूंगा, आप ये इंटरनेशनल रैपर्स हैं हमारे, अच्छा ठीक है, 5 से लेके 1 तक को रेट करना है, मतलब 5 से 5 से 1 का पहले रफ्तार है, बादशाह है, डिवाइन है और अभी वे, सॉरी 6 से रेट करना, 6 नाम हो गए यहाँ पे, सॉरी कोई बात नहीं होता रहता है। बोहेमिया, हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह, डिवाइन और एमी वे। देखें सबसे पहले तो बोहेमिया, क्योंकि फर्स्ट पे आ गए, क्योंकि मुझे उसकी एक तो समझ आती है क्या बात, और दूसरा उसी से मैंने यानी कि रैप करियर का स्टार्ट लिया उसको सुन के, ठीक है ये तो गुरु जी हो गए, ठीक है रफ्तार हो गया सेकंड पे, इसके बाद थर्ड पे हनी सिंह हो गया, हनी सिंह आ गए थर्ड पे, और कौन थे, बादशाह, डिवाइन और एमी वे, अच्छा उसके बाद बादशाह आ गया फोर्थ पे आ गए, और दूसरों को मैं सुनता नहीं, नहीं सुना एमी वे को भी नहीं सुना बिल्कुल भी। एमी वे का मैंने ये पीछे उनके रैप बैटल चैटल उनकी चली थी, तो वो लड़के लड़के लगाते थे, हाँ लेकिन बड़ा अच्छा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बड़े जल्दी हाइप में आ गया। सो डिवाइन मैंने सुना हुआ, डिवाइन मैंने, डिवाइन को सुनिएगा इंडिया का बड़ा जो गली सिंह, रियल गली बॉय जो है, ठीक हो गया। अच्छा जी अब एक जरा फनी सा सवाल है आपसे, दो करेक्टर्स बड़े माशाल्लाह बड़े मशहूर करेक्टर्स हैं हमारे पाकिस्तान के, बड़े अनोखे करेक्टर्स हैं, इन दोनों के साथ अगर आपको एक रात बेड पे गुजारनी चाहिए, गुजारनी पड़े इन दोनों में से किसी एक के साथ, तो किसके साथ गुजारेंगे, नासिर खान जान या एलेक्स भट्टी, कहाँ पे गुजारनी पड़े, एक बेड पे एक कमरे में, और मेरी जैकेट ले आओ मैं जुलिया अच्छा। मजबूरी है, अब एक बंदे को रखना है, किसको आप रखेंगे साथ, बेड पे गुजारनी पड़े एक रात, नासिर खान जान और एलेक्स भट्टी, एलेक्स भट्टी यार जी मैं लूडो लूंगा 150 रुपए की, तो मैं एलेक्स भट्टी के साथ पूरी रात बैठ के खेल लूंगा, ठीक है ठीक है। नासिर खान जान के साथ बैठते तो बाहर से फ्रूट भी पकड़ने होते, खीरे भी पकड़ने होते, गाजर भी, रात को क्योंकि एंटरटेनमेंट होती ना आप समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा जी डेफी एक और सेकंड हमारा, आपके कोई फेवरेट चीज़ हम पूछेंगे, आपका फेवरेट फूड के बारे में बताएं। अच्छा फेवरेट फूड यार जी सेवर, अच्छा खाली दुबई से गया हूँ, बाकी इंशाल्लाह जाऊंगा, अच्छी है मैं थोड़ा नेचर को जरा मतलब क्या सकता हूँ, पेरिस, अच्छा पेरिस है, क्या बात है जी क्या बात है। एक्टर और एक्ट्रेस कोई एक, एक्टर एक्टर मेरे बताएं, एक्ट्रेस बताएं। अच्छा एक्टर तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्या बात, और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ,
यहाँ तो शादी होगी चेंज कर वो आपसे थोड़ी मिलती जुलती भी है वो आपकी मैं भी नकल डाल कैटरीना कैफ बट तक उसी धोखा है अच्छा हां वो गोवा कैफ निकला भाई अच्छा जी अच्छा स्नैप पे करना है कि दो नाम लूंगा दोनों में से एक को चूज करना है आपने दो नाम लोगे चूज बिटवीन टू ओके ये सेट में वाला पेंसिल या पेन 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 बिरयानी या पास्ता बिरयानी चाय या कोल्ड ड्रिंक चाय खाना फिर आगे नाश्ता खान जहाँ था एलेक्स भट्टी यार एलेक्स भट्टी कर दे तू भाई तू देना ही है तू एलेक्स भट्टी दे एलेक्स भट्टी तो ना कम खराब है यार भी आता माइक और आगे बकरी आए ना बेने या फैम पैसा या फैम देखें दोनों चीजें जरूरी बट आप किस चीज करेंगे पैसे को ठीक है जी बेहतरीन इस्लामाबाद या पिंडी 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 ठीक है ब्लैक मोबाइल या लैपटॉप मोबाइल या लैपटॉप मोबाइल जेब में जब है तो लैपटॉप की कड़ी लोड है स्टार जी पेप्सी या कोक अच्छा पेप्सी पेप्सी आईफोन या एंड्रॉइड मेरे को तो एंड्रॉइड आईफोन लेता हूं फिर दसना अगली गल दिल के तो कर दे एंड्रॉइड ठीक है आसान है ना आईफोन ओके है उसका सेव का फ्लैक्स ज्यादा ज्यादा होता है ना हां आज की फ्लैक्स नहीं रहा सच्ची हर बंदे के पास है पर ग्रो फिर सारा फ्लैक्स फर्क हो गए अब बेहतर आ रहे एंड्रॉइड ज्यादा विंटर्स या समर्स विंटर्स ठंड है जैकेट पहन के फ्लैक्स लगता है क्या बात है थैंक यू सो मच डेफी आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत एक अच्छा सेशन रहा आपके साथ बहुत मजा आया शो करके और उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे एक तारक रहेगा अच्छा रहेगा बहुत अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान का आपने जरूर नाज़रीन सुनना है इनको ऑन यूट्यूब ऑन फेसबुक डेफी ऑन द माइक के नाम इनका पेज है इनको फॉलो करना है इनको सुनना है इनका कॉन्टैक्ट सुनने अंदर सुना भी होगा बातें बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी हमारे साथ बैठी है और जिन्होंने नहीं सुना उन्हें सुनना और बड़ा पसंद आएगा कॉन्टेंट अपने होस्ट विकास को जारी दीजिए इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के साथ फिर हाजिर होगा तब तक के लिए जी मोला को क्या बात है